अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हेयर आई वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। मैं आप सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहती हूँ कि यहाँ पर आप अपनी वीडियोस देखते हैं और आप उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग पे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने जो है ICT फंडामेंटल्स या कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, हमने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने लगे हैं वो आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो कंप्यूटर नेटवर्किंग की आ जाती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? देखिए, आजकल का जो दौर है, जो जिस इरा में जिस एज में हम रह रहे हैं, हम नेटवर्किंग के दौर में रह रहे हैं। हमारे जो जितना भी सारा हमारा जो काम है वो आपका जा रहा है नेटवर्किंग के ज़रिए। हम एक जगह से चीज़ें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, रिसोर्स ट्रांसफ़र करते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में एक ही टाइम पे हम शेयरिंग कर सकते हैं। तो अगर आप उसको देखें कंप्यूटर नेटवर्किंग को, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा ज़रिया है कि जो आपका डाटा ट्रांसमिट करता है, जो आपका डाटा भेजता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर। तो डाटा किस तरह आपका जो है वो ट्रांसफ़र होता है? देखें, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं आपके राउटर्स के साथ, ठीक है जी। राउटर्स आपके कनेक्ट होते हैं, राउटर एक डिवाइस होती है, इंटरनेट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर आपके इंटरनेट डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, इंटरनेट डिवाइसेस जो है वो आपके ISP के साथ कनेक्ट होते हैं। ISP बेसिकली क्या है? वो आपका जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कंपनीज। और फिर काम हमारा बैक एंड पे चल रहा होता है, एंडिंग पे काम चल रहा होता है, हम काम को एंड करते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स राउटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। राउटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं, और फिर इंटरनेट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं ISP के साथ। ISP जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड है, जो आपको जो है जो इंटरनेट की सहूलियात फराहम करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, और फिर ये काम जो है जिस भी कंपनी के ज़रिए आप काम कर रहे होते हैं वो चीज़ चल रही होती है। हम बात करें अगर नेटवर्क डिवाइसेस की, तो देर आर 3 टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। कंप्यूटर के नेटवर्क के तीन डिवाइसेस होते हैं। एक चीज़ कहलाती है सर्वर, फिर आपके पास आ जाते हैं क्लाइंट, और फिर आपके पास थर्ड वन आ जाती है ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है जी। स्टूडेंट, क्या क्या है? सर्वर है, आपके पास क्लाइंट है, और फिर है ट्रांसमिशन मीडियम। हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर की। सर्वर वो चीज़ होती है, सर्वर को हम बेसिकली सोर्स भी कहा जाता है, ज़रिया भी कहा जाता है। सर्वर जो होता है वो आपका मेन चीज़ होती है, मेन थिंग होती है कंप्यूटर में, आपके ट्रांसमिशन मीडियम में, जो आपके डेटे को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वर्ट करता है, ठीक है। आप कोई चीज़, जैसे आपने कोई भी चीज़ आपने सर्व करनी है, ठीक है, नहीं आप जैसा सर्वर है, तो सर्वर जो होगा वो मेन कंप्यूटर होगा। सर्वर के बगैर आपकी कोई चीज़ जो है वो नहीं चलेगी। आप सर्व करेंगे, ठीक है, फिर वो चीज़ आगे जाएगी, इंटरनेट से लिंक होगी, और फिर वो आपने जहाँ पर भी आपका जो डेस्टिनेशन है, जो पॉइंट है, जहाँ पर वो चीज़ आपके पहुँचनी है, वो आपके सर्वर के ज़रिए पहुँचेगी। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लाइंट के बारे में। क्लाइंट जो है वो सर्विस से, इसको क्लाइंट को हम सिंक भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है सर्वर पर, जो हमने चीज़ें सर्वर के ज़रिए सेंड की हैं जिस भी डेस्टिनेशन पर जानी है। एक मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, मैंने आपको डाटा सेंड किया इंटरनेट के ज़रिए, कोई अपने रिसोर्स को, फाइल्स, ये जैसे आप वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, सर्वर से ज़रिए सुन रहे हैं आप। अब आप लोग जो है वो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो उसको रिसीव करेगा, वो उसको हासिल करेगा, वो लेगा उस चीज़ को, कि जैसे अगर मैंने एक पाथ से दूसरे पाथ में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई चीज़ सेंड करनी है, तो वो जो चीज़ जो जिसको भी मैंने डेस्टिनेशन पर जिस मुकाम पर उसको सेंड करनी है, वो आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो आपकी क्लाइंट आ जाता है, वो क्लाइंट आपका कहलाता है, ठीक है। और क्लाइंट और सर्वर जो है दोनों मिलके जो है काम करते हैं। सर्वर ने काम भेजा, वो इंटरनेट के ज़रिए वो काम आपके क्लाइंट तक गया, क्लाइंट ने उसको रिसीव किया और उस पर फिर वर्कआउट किया। ये हम बात कर रहे हैं क्लाइंट और सर्वर की। फिर एक थर्ड वन जो एग्जाम्पल है, जो थर्ड टाइप है, वो है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो एक पाथवे है, वो एक रास्ता है, ये बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेज। हमने जिस तरह आपस में बात करनी है वो ट्रांसमिशन मीडिया के ज़रिए हो रही होती है। ट्रांसमिशन मीडिया एक मीडियम होता है, एक वास्ता होता है, एक ज़रिया होता है कि जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती है कि हम एक दूसरे से किस तरह बात करें, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बात होती है। पहले जो हम बात करते थे ट्रांसमिशन मीडियम की, वो उसमें हमारे पास जो चीज़ें आती थी, हम बात करते थे, जैसे अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना, अब तो हम वायरलेस की बात करते हैं, सारी चीज़ें वायरलेस पर आ गई हैं।
पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती थी वो आपके पास फिजिकल मीडियम आते थे। फिजिकल मीडियम का मतलब ये होता है कि आपके पास वायर्स लगी होती थी, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल है, और उसके अलावा कॉपर वायर्स। ये जो है वायर्स होती थी, ये आपके जो है काम को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि आपके पाथ को डेस्टिनेशन तक, एक मुकाम तक पहुँचाती थी। ये ट्रांसमिशन मीडिया का काम होता था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास आ गई हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई हैं, जैसे आपके पास मोबाइल है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है जी, आपके पास मोबाइल टेक्नोलॉजी है, आप जहाँ जाते हैं आपने डाटा नेटवर्क ऑन किया, आपके पास कोई आपका कोई तार का सिस्टम नहीं है, कोई वायर का सिस्टम नहीं है, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी आप हो, ठीक है। घरों में आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, कोई वो तार के साथ नहीं जुड़ा होता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रांसमिशन मीडिया में आ जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन मीडियम की, तो हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो कम्युनिकेशन मीडियम की, वो आपके पास आ जाती हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आपके इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप किस तरह टेक्नोलॉजी को, किस तरह इंटरनेट के ज़रिए बात करते हैं। अब मैंने भी आपको फिजिकल मीडियम के बारे में जैसे पढ़ाया, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में, तो इसी तरह आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई हैं। कुछ आपकी वायर बेस्ड होती थी पहले, जो है तार के ज़रिए आपकी लगी होती थी फिजिकल मीडियम, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, जिसमें आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहले हमारे पास मॉडम्स होते थे, एनएसी कार्ड्स होते थे, राउटर्स हैं, ब्रिजेस हैं, गेटवेज हैं, हब है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये जो है वो आपकी कनेक्टिंग डिवाइसेस में आती हैं, यानी कि ये इंटरनेट में है, जिसमें हम वाईफाई की बात करते हैं वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, डाटा केबल है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी जो है राउटर मीडियम, ये राउटर है, ब्रिजेस है, एथन कार्ड्स हैं, ये सारी आपकी इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की बात, ये कनेक्टिंग डिवाइसेस में बात हम करेंगे। हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम की जो बात लास्ट में आती है, वो आपके पास आती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसने तमाम चीज़ों को आपस में ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है उसके ज़रिए कनेक्ट करते हैं, और फिर जो आपका जो काम है वो सारा उसके ज़रिए हो रहा होता है, इंटरनेट के ज़रिए हो रहा होता है। इसमें आपके पास मेन जो है सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें कुछ टेक्नोलॉजी आपकी वायर बेस होती है और वायरलेस भी होती है। वायर बेस आपका होता है कि इसके साथ मॉडम अटैच हुआ होता है, मॉडम जिस पे इंटरनेट चलता है, ठीक है, और राउटर भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर्स होते हैं, फिर से लैपटॉप आपने कर लिया, या कंप्यूटर दूसरे जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो आपने अटैच कर लिए, वो राउटर के साथ अटैच होंगे, यानी कि मेन। फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपका एक मेन सर्वर है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ हुई होती है, विंडोज़ पे सारा आपका काम चल रहा होता है सारा, इसको आप इंटरनेट के ज़रिए अटैच करते हैं। अगर आपके पुराना कंप्यूटर है तो उसमें मॉडेम वगैरह लगा होता है जिस पे इंटरनेट आ रहा होता है, ये राउटर से मेन स्विच है उसके साथ सारी चीज़ें अटैच हुई होती हैं, सर्वर भी उसके साथ अटैच हुआ होता है, हब भी उसके साथ अटैच हुई होती है, या राउटर उसके साथ अटैच हुए होते हैं, कंप्यूटर्स उसके साथ अटैच हुए होते हैं, फैक्स मशीन को कह लें या आप लोग प्रिंटर्स कह लें, वो सारे अटैच हुए होते हैं। आप लोग अपनी कमांड्स भेजते रहते हैं, काम इंटरनेट के ज़रिए करते रहते हैं। सपोज़ अगर आपने कोई काम, वो आपको, आप कंप्यूटर पर बैठे हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो काम आपको डिस्प्ले पर आ जाएगा, और जितने भी आपको प्रिंटिंग चाहिए होगी आप काम को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसी में वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप अपना जो है मोबाइल उसके साथ अटैच कर सकते हैं नेटवर्किंग के साथ, आप अपना लैपटॉप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक था वो था कंप्यूटर्स के, हमारे हमने कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा जो इंटरनेट से रिलेटेड था। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा, आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा। आप इस टेक्नोलॉजी पे, हम इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का टॉपिक ईजिली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।